गोरखपुर विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह आपसे थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुआ है। यहाँ पर उन मेधावियों को गोल्ड मेडल दिए गए हैं आनंदीबेन पटेल जो कुलाधिपति हैं उन्हीं के द्वारा, जिन्होंने पिछले वर्ष जो है अपने कोर्स में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? शर्मिष्ठा तिवारी। शर्मिष्ठा तिवारी, आपने किस कोर्स में गोल्ड? LLB 3 ईयर में 5 मेडल मिले हैं। अच्छा जी, तो ये बताइए कि कैसे आपने तैयारी की और किसका योगदान रहा? जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है किसी भी टॉपर से, सेल्फ स्टडी करी ज़्यादातर और बुक्स पे रिलाई किया, टीचर से तो बहुत कमी बढ़ाई करी, नोट्स बनाए और रिविजन किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। अच्छा, ये बताइए कि विश्वविद्यालय में आपका डिपार्टमेंट जो है बड़ा रिच डिपार्टमेंट माना जाता है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े शख्सियतों ने जजेस निकलते हैं, उसका कितना प्रभाव रहा है कि मतलब वो एक एटमॉस्फियर मिलता है कि जब हमारा जो एलुमिनाई बहुत एलुमिनाई बैंक जो है बहुत रिच रहता है, तो उसका कितना इम्पैक्ट अभी है विश्वविद्यालय में? सीनियर्स के तो गाइडेंस बहुत मिली थी, अब कॉम्पिटिशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिला मुझे, पर जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो जुडिशरी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो उसी पैटर्न पे होगा और काफ़ी तैयारी, अगर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ें सेमेस्टर के लिए तो जुडिशरी भी साथ साथ में प्रिपेयर हो सकता है। तो आपका मतलब ये भविष्य का प्लान जुडिशरी में? जुडिशरी PCSG के लिए तैयारी शुरू कर दी आपने? हाँ, अब करनी पड़ेगी, LLB हो गया है तो अब उसके लिए पूरा मनोयोग से जो है। हाँ। और गोल्ड मेडल मिलना उसमें और जो है चली जा रही है, आ जाइए इधर आ जाइए। हाँ, मोटिवेशन मिला है और एक प्रेशर भी है कि अब करना ही तो करना ही है। हाँ। उन लोग कहेंगे खाली उसी में गोल्ड मेडल आया और जो यहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं निकल रहा है। हाँ। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको, क्या लगता है? कुछ आपने रिसर्च होमवर्क किया ही होगा कि क्या PCS जुडिशरी के लिए या नहीं? अभी तो वो ट्रायल एंड एरर अभी चलेगा कुछ टाइम, अभी तैयारी कर रहे हैं तो खुद नहीं बता सकते हैं क्या करना है। और LLB में क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे जो है इसमें टॉप, अगर कोई पूछे कि LLB टॉप कैसे करना है तो क्या जवाब होगा? अभी जो बताया कि जो सर पढ़ाएं वो ध्यान से सुने, उसको नोट करें और फिर वही पॉइंट्स बुक से रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स अंडरलाइन करें, फिर नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, बड़े नोट्स नहीं, जो जल्दी रिवाइज भी हो सके। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग में कुछ इररिलेवेंट ना लिखें, केस लॉस लिखें, सेक्शंस ऑर्डर्स रिलेटेड चीज़ें लिखें तो मार्क्स मिलेंगे। चलिए, आपकी बेटी ने, आपकी बेटी है ये जी? हाँ। कब पता चला आपको कि इनको गोल्ड मेडल मिलेगा? जी अभी एक हफ्ते पहले। तो कितनी खुशी हुई? और मतलब जब जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स होता है वो सोचता है कि बच्चे हमारे पढ़ाई में सबसे ऊपर रहें, तो आपकी बेटी तो है फिलहाल जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है। तो आप पार्टी वार्टी होगी घर पे? बढ़िया बढ़िया पकवान बनेंगे जी। क्या बनेगा आज? आज अपने बर्थडे में बनेगा। बर्थडे में ये वाला, ये गोल्ड मेडल वाली पार्टी गोल हो गई। मम्मी मेरी कम बोलती है, मेरे चाचा यहीं से पढ़े हैं साइकोलॉजी से 1996 में और साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यहीं DDU से वही साथ हैं। तो ये बताइए, ये गोल्ड मेडल की पार्टी वार्टी शुरू हो गई? पार्टी हाँ, मिल गई, मिल गई। चाचा ऑन कैमरा कह रहे हैं वहाँ, ठीक है, रिकॉर्ड। अभी तक उम्मीद नहीं थी। चलिए, तो आपको बधाई और आपको भी बधाई कि इन्होंने जो है अच्छा मेडल प्राप्त किया। उम्मीद है आप भविष्य में भी ऐसे ही आगे बढ़ें और देश में एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर का भी नाम रोशन हो। चलिए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।